जय हिंद दोस्तों। जहां एक तरफ बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया है। आपको बता दूं दोस्तों कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने एनसीपीई व केंद्र सरकार की एसएलपी सहित मुकेश कुमार व अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, जहां उन याचिकाओं में बीएड डिग्री धारकों को भी श्रेणी अध्यापक भर्ती 11-1 के लिए पात्र माने जाने की बात कही गई थी। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए कह दिया कि इस भर्ती के लिए केवल और केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही पात्र माने जाएंगे। आखिर बहुत सारे अभ्यर्थियों के दिमाग में सवाल आता है कि जब पहले से सारी चीजें चलती आ रही थी तो अब ये मामला उठा क्यों, तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई। तो इस मामले की जो जड़ थी वो था राजस्थान। राजस्थान से ये शुरुआत हुई थी, जहां पर अभी तक राजस्थान में भी बाकी देश के राज्यों की तरह जो बीएड वाले डिग्री धारक थे उन्हें माना जाता था, परंतु 2018 से पहले बीएड वालों को हटा दिया गया था। सिर्फ बीटीसी वाले जो यानी वहां पर बीटीसी को रीट बोलते हैं, सिर्फ रीट वाले अभ्यर्थी ही लेवल वन की भर्ती के लिए पात्र हुआ करते थे। पर 2018 में जो राजस्थान सरकार थी उसने कहा कि नहीं, अब बीएड वाले भी अलाउ कर दिए जाएंगे, और इसे लेकर सारे बीटीसी वाले कोर्ट पहुंच गए और राजस्थान हाई कोर्ट में उनकी जीत हो गई। सरकार की तरफ से पिटीशन डाली गई, जहां पर सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में कमजोर होते हुए वहां पर केंद्र सरकार और एनसीटी दोनों गए थे कोर्ट, और ये कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कि नहीं भाई, बीटीसी वाले ही वैलिड माने जाएंगे। परंतु अभी एक खबर जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं उनको अलाउ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये जो बड़ा फैसला है इसको लेकर खबर आ रही है, जो खबर एकदम निराधार बताई जा रही है। आप लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं, और ये खबर जो है वायरल खबर जो है इसके तथ्यों की पुष्टि में ये खबर निराधार है, एकदम झूठी खबर है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को नहीं बदला है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो एज इट इज है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा रहा है। परंतु इसको लेकर अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से भी ट्विटर पर आप लोगों के लिए मुहिम चलाई जा रही है, जहां पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैं साथ ही साथ पहला कमेंट पिन कर दूंगी, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा पोस्ट का, ट्विटर पोस्ट का, जिसको आपको अधिक से अधिक संख्या में रिट्वीट करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, जिससे कि जो बीएड धारक हैं हमारे उनको उनका वैलिड न्याय जो है, करोड़ों की संख्या में बीएड धारक जो हैं उनको उनका न्याय जो है वो अवश्य मिल जाए। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही, जहां पर कोई भी अपडेट, चाहे कोई भी रोजगार संबंधित अपडेट हो, कोई भी योजना संबंधित हो, एजुकेशनल अपडेट हो, आप तक सबसे पहले जाए, इसकी पुष्टि के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और ट्विटर अकाउंट हैंडल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट, कोई भी मुहिम जो है, अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, आपसे छूटे ना। तो उम्मीद करती हूं ये वीडियो आपके लिए कारगर रही होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करिए, और ऐसी और महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।